A news update sponsored by ProSkill Hub. Get your dream job. Address: Ground Floor, John Tower, College Chauraha, Rewa. नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं स्वाति। खबर रीवा जिले से है, जहां मानदेय से अनुचित ढंग से काटी गई राशि का एरियर सहित वापस करने, सेवानिवृत्त पर घोषित एक मुस्त राशि और महंगाई के अनुरूप मानदेय वृद्धि करने सहित अन्य मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता इन दिनों हड़ताल पर है। यह प्रदेशव्यापी भूख हड़ताल 27 फरवरी 2023 को केंद्र बंद रखकर की गई। इस दौरान रीवा जिले की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची, जहां मुख्यमंत्री के नाम से कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। कार्यकर्ताओं ने बताया कि बाल विकास विभाग में कार्यरत सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता शासकीय योजनाओं को लागू करने का काम जमीनी स्तर पर कर, गांव एवं शहर में शासन का एक प्रमुख केंद्र के रूप में आंगनबाड़ी केंद्र काम कर रहा है, लेकिन उन्हें सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि मजदूर विरोधी श्रम संहिता को वापस लिया जाए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं को शासकीय कर्मचारी की श्रेणी में शामिल किया जाए और तब तक सहायिका को न्यूनतम वेतन 26,000 के साथ अन्य मांगे पूरी की जाए। आइए आपको सुनाते हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अन्य अपनी मांगों को लेकर क्या कहा है। दूर से शॉर्ट लगी हम कई थी खींचे पड़ी हमको आज क्या मांगे हैं जी? हमारी जो मांगे हैं वो वैसे तो हम लंबे समय से मांग कर रहे हैं, हमारी लंबित मांगे हैं और सरकार इन पे किसी तरह से कोई ध्यान नहीं दे रही है। हमारी मांग है कि आज हम 40 साल से 42 साल से आंगनवाड़ी में काम कर रहे हैं, लेकिन आज तक सरकार ने हमें ना तो कर्मचारी माना, ना मजदूर माना, ना किसी तरह से कोई वेतन हमको लागू किया। तो हमारी मांग है कि सरकारी कर्मचारी का दर्जा दो। जब तक सरकारी कर्मचारी नहीं बनाते तब तक हमें न्यूनतम वेतन दो, और न्यूनतम वेतन भी 26,000 आज की महंगाई को देखते हुए दो। और इसके साथ में सरकार ने जो है घोषणा की थी कि रिटायर होने पे कार्यकर्ताओं को 1,00,000 रुपये और सहायिकाओं को 75,000 दिए जाएगा, लेकिन आज उनकी घोषणा आज तक भी 5 साल में पूरी नहीं हुई। हमारी जो बहनें हैं सब बिना कुछ लिए दिए और उनको रिटायर किया जा रहा है, और वो जो है मतलब एक कागज़ पकड़ा दिया जाता है। सोचने की बात है कि इस उम्र में दवाई भी लगती है, खाने को भी लगता है, जी नहीं चलता कि हम कुछ और काम कर सकें, कोई मजदूरी कर सकें। तो सरकार का इस तरफ बिल्कुल किसी तरह से ध्यान नहीं है, इसलिए हम उनसे मांग करते हैं कि वो ध्यान दे और हमारी कार्यकर्ताओं को पेंशन दे। और सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है 25 अप्रैल 2022 को कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका फुल टाइम कार्यकर्ता है, फुल टाइम वर्कर है और उसको ग्रेजुटी का अधिकार है, तो वो ग्रेजुटी हमें सरकार दे। हमारी मध्य प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी नहीं मान रही है, तो उसके लिए है कि वो हमें सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला है कि अगर 3 महीने तक ग्रेजुटी भुगतान नहीं की गई तो 10% ब्याज के साथ भुगतान करनी होगी, यहाँ तक बोला है। लेकिन हमारी मध्य प्रदेश की सरकार जो है उसको मान नहीं रही है। ये सारी मांगों को लेके हम जो है ये आंदोलन हमारा चल रहा था, पेंशन और ये सारी चीज़ों को लेके, और इसके साथ हमारी 26 सूत्री मांगे हैं जो हमने आपको दी है। महिलाओं को लेके काफी संवेदनशील और बिल्कुल सम्मेलन जी करते हैं वो। जी जी, क्या कारण की आप लोग की बात? मुख्यमंत्री जी तो जितनी बार चाय नाश्ता खाना और डिनर करते हैं उतनी उससे ज़्यादा घोषणाएं करते हैं, जिसमें से एक भी पूरी नहीं होती। ये तो घोषणा वीर है और इन्हें महिलाओं से किसी तरह का कोई मतलब नहीं। यहाँ बलात्कार हो रहा है, उस दिन यहाँ पे हवाई पट्टी पे आए हैं वो और एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया, उसको मिलने नहीं दिया। वो मिलना चाह रही थी, उसकी कुछ प्रॉब्लम थी, उसको मिलने नहीं दिया गया। और एक तरफ मुख्यमंत्री जो है वो महिलाओं के लिए भाषण दे रहे थे, ये महिलाओं के प्रति उनकी संवेदना है? ये संवेदना नहीं है, ये चुनाव है, चुनाव है जिसके कारण वो ये सब कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कोई संवेदना नहीं है। और इस बार तो हम चुनाव में उनको दिखाने वाले हैं कि वो जो यदि हम ऊपर ला सकते हैं तो हम नीचे भी पटक सकते हैं, यही हम करने वाले हैं और यही करेंगे चुनाव के लिए। किशोरी वर्मा, राज्य महासचिव, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका। अ न्यूज अपडेट स्पॉन्सर्ड बाय ProSkill Hub। गेट योर ड्रीम जॉब। एड्रेस: ग्राउंड फ्लोर, जॉन टावर, College Chauraha, Rewa।